हम बड़ी मुश्किल से अपना वेट लॉस कर तो देते हैं, पर ये वेट लॉस को हमेशा स्टेबल रखने के लिए एक डाइट प्लान को फॉलो करना बहुत ही जरूरी होता है, नहीं तो फिर तेजी से हम पहले जैसे वेट गेन कर लेते हैं। हाँ दोस्तों, ये प्रकृति का एक बड़ा कड़वा सच है। इसकी वजह ये है कि जब हम वेट लॉस करने के लिए बड़ा ही क्लीन डाइट फॉलो करते हैं, कम कैलोरीज, कम फैट्स, ज्यादा प्रोटीन, और हमारा शरीर पूरी तरह से डिटॉक्स हो जाती है और इसको इसी की आदत पड़ जाती है, तो जब वेट लॉस हो जाता है तो हमारा शरीर हमसे यही क्लीन डाइट की अपेक्षा करता है, जिसे नहीं फॉलो किया तो नतीजा तो आप जानते ही हो। वेट लॉस के बाद हमें बहुत ज्यादा डाइट कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वेट लॉस तो हो चुका है। अभी सिर्फ हमें इस वेट लॉस को मेंटेन रखना है, सिर्फ बढ़ने से रोकना है। तो अब शुरू करने से पहले हमारे चैनल से लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए इस वीडियो में हम देखते हैं कि वेट लॉस के तुरंत बाद हमें किस तरह का खाना खाना चाहिए और रोज के खाने में क्या क्या बदलाव लाने चाहिए जिससे हमारा वेट लॉस मेंटेन रहे। सुबह सुबह उठते ही आप खाली पेट एक ग्लास पानी में 2 चम्मच ऑर्गेनिक एप्पल साइडर विनेगर मिला के पी लें। अगर आपको एप्पल साइडर विनेगर की एलर्जी है तो आप पानी में नींबू मिला के पी सकते हैं। इससे आपका ब्लड शुगर लेवल और ब्लड प्रेशर लेवल नॉर्मल मेंटेन रहेगा। ये पीने के बाद आप टी, कॉफी या दूध ना पिए। ब्रेकफास्ट में आप प्रोटीन्स एंड फाइबर्स से भरे पदार्थ ही खाइए। ये काफी घंटों तक आपके पेट को भरा हुआ रखेगा और गलत समय पे जंक फूड खाने से आपको बचाएगा। ऑमलेट अपने पसंद के सब्जियों के साथ या उबले हुए अंडों के साथ खाइए। अगर आप वेजिटेरियन है तो सेवइयों का या सूजी का चिल्ला आप खा सकते हैं। ये सब रोटी, पराठा या ब्रेड की तुलना में आपको सेहतमंद भी बनाती है और वेट भी नहीं बढ़ाती। आप ब्रेकफास्ट के समय ग्रीन टी भी पिए। ब्रेकफास्ट और लंच के बीच आप दूध डाली हुई चाय या कॉफी पी सकते हैं 5 बादाम के साथ। एनर्जी बार्स, चिप्स या बिस्किट्स का सेवन मत करें। आप ड्राई फ्रूट्स का सेवन कर सकते हैं, लेकिन सीमित मात्रा में ही, यानी कि सिर्फ मुट्ठी भर। लंच में आप 1 या 2 ओट से बनी रोटियों का सेवन कर सकते हैं या अन्य किसी आटे की रोटियां जो प्रोटीन्स और फाइबर से भरे हो। गेहूं की रोटियां ना खाएं, जिससे आपके कार्बोहाइड्रेट्स बढ़ सकते हैं। रोटियों के साथ आप दाल, सलाद और धनिया की चटनी का सेवन कर सकते हैं। आप रोटियों की जगह ब्राउन राइस, ब्राउन बासमती राइस भी खा सकते हैं, लेकिन सफेद राइस ना खाएं, क्योंकि उससे आपका कार्बोहाइड्रेट्स का प्रमाण बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और आप वेट गेन कर लेंगे। शाम को आप कुछ तला हुआ खाने की जगह 2 ब्राउन ब्रेड के स्लाइस के साथ ग्रीन टी पी सकते हैं। ब्रेड को आप टोस्ट कर सकते हैं, जिससे उसका कार्ब्स कम हो जाता है, और आप पीनट बटर के साथ खा सकते हैं, जिसमें हेल्दी फैट्स होते हैं और आपकी भूख को काफी दूर तक दूर ही रखता है। ब्रेड की जगह आप ताजे फलों का एक बॉल भी खा सकते हैं। रात को अगर आपने लंच में रोटियां खाई थी तो 1 कप ब्राउन राइस ही खाइए, लेकिन याद रखें कि सिर्फ 1 कप। आपको सही के साथ सही मात्रा में खाने पे भी उतना ही ध्यान देना है। इसके साथ आप सूप या दाल सलाद के साथ खा सकते हैं। आप इसके अलावा भुना हुआ चिकन भी खा सकते हैं। तेल से भरे करीज, ग्रेवीज, लाल मांस को ना ही खाइए, खास तौर पर डिनर के वक्त। इससे आप अपने चीट डेज के दिन खा सकते हैं, आप 14 दिन में एक बार, वो भी दिन के समय, जिससे आपके शरीर को ज्यादा से ज्यादा वक्त मिलेगा इसे पचाने के लिए। और आखिर में डिनर के 30 मिनट बाद 1 कप ग्रीन टी पिए। तो ये था एक सबसे योग्य डाइट प्लान 4 हफ्ते के वेट लॉस के बाद। अगर आपको इस डाइट प्लान से जुड़े कुछ सवाल हैं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो या इस डाइट प्लान से फायदा हुआ हो, तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।